अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज मैं नर्सरी से चार मैंगो ट्रीज लेके आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपको भी दिखा दूँ, तो है जरा दिखाते हैं। ये देखें जी, एक ये है ट्री, ठीक है। एक ये है ज़बरदस्त किस्म का, एक ये है। ये सारे प्योन है, इसमें सिंदड़ी है और इसमें लंगड़ा है और इसमें एक सहारनी है, और जो चौथी टाइप है वो उसे अनवर्ट और कहते हैं। आज मैं इसको ज़मीन में लगाने के लिए जा रहा हूँ, तो ज़मीन में लगाने का, ज़मीन को तैयार करने का जो भी तरीकाकार है, उसको कैसे लगाते हैं, सारे तरीकाकार से आपको बात करेंगे। तो आए आपको साथ में सहायता करवाते हैं और साथ में जमीन में लगाने का तरीका बताते हैं। चलो जी, तो हम रब्बे पहुंच गए हैं। देखिए जरा, यहाँ जनाब वापस आ जा। अब मेरा जेन है कि एक इस कोने में लगाऊं, एक उस कोने में लगाऊं, एक उधर और एक उधर, चार हैं। तो जो फर्स्ट है वो अब मैं खड्डा खोदने लगाऊं, तो आज फुल फुल मजदूरों वाला जेन बनाया हुआ है। ठीक है, पास आ जाओ जरा। तो आज जरा फुल फुल मजदूरों वाला जेन बनाया हुआ है, तो ये देखें मजदूर लग रहा हूँ ना आज। तो ये घर की खेती है, जैसे बंदा मर्जी कर ले, कोई इशू नहीं, कोई कहने वाला नहीं, पूछने वाला नहीं। तो मैं आज यहाँ पे खड्डा मारने लगा हूँ, तो बिस्मिल्लाह करने लगा हूँ। आप भी जरा बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाह। मैं बताना भूल गया आपको, ये जो जमीन है ना, ये बहुत सख्त है। इसकी हार्डनेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, मैं खड्डा क्यों मारने लगा हूँ और कितने बाय कितने का मारने लगा हूँ, मैं आपको ये बताता जाऊँ। ये ज़मीन है सख्त सख्त ज़मीन में इसकी जड़ें जो हैं वो कामयाब नहीं हो सकती। अगर हुई तो वो ज़्यादा चल नहीं सकेंगी, मतलब हमारा पौधा मुरझाने का ज़्यादा डर है। तो हम उसके लिए वन बाय वन का खड्डा भी नहीं मारेंगे, हम इसके लिए 3x3 का खड्डा मारेंगे। मैक्सिमम जो मेरा ज़हन है वो 3x3 का खड्डा मार के उसके बाद भाले लेके आया हूँ। वो भाले जनाब उस खड्डे के अंदर डाल के, मतलब वो नरम मिट्टी हो जाएगी, तो ये पौधा उसके अंदर फिर से लगाएंगे। तो मैं पहले खड्डा खोद लूँ जी। तो व्यूअर्स, ये खड्डा 3x3 का बना लिया है। अब इसमें भल वाली मिट्टी जो कि मैं लेकर आया हूँ, तो जनाब इसके लिए मैं यहाँ से भल लेने आया हूँ। ये बिल्कुल खाले से निकाली गई है। ये मेरे साथ जो मेरा छोटा असिस्टेंट है वो लगा हुआ है जी, भालुक वाला भरने के लिए, और इसको हम खड्डों में इस्तेमाल करेंगे जी। तो इसमें भाल वाली मिट्टी शामिल करेंगे, ठीक है। बस इसके बाद हम पत्तों की खुशक खाद जो हमारे पास अवेलेबल हो वो डालेंगे। उसके बाद ये जो पौधा है जी, इसकी बैग की थाली को उतारेंगे, ठीक है। लें जी, इसकी नीचे वाली जगह से थाली को काट दिया गया है और जड़ें बिल्कुल नज़र आना शुरू हो गई हैं। इसको पूरा इसलिए नहीं काट रहे क्योंकि ये जो मिट्टी की जो थैली बनी हुई है, गाची बनी हुई है, ये टूट जाएगी, पौधा हमारा बेकार हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी यही है कि हम नीचे से काट दें और उसके बाद पौधे को जो है ज़मीन में लगा दें। तो इसके बाद हम ज़मीन के अंदर लगाएं, ठीक है। थैला अगर निकल सकता है तो निकाल लें, अगर बेहतर यही है इसको इसके अंदर लगा रहने दें, ठीक है। के बाद जो बाकी मिट्टी है, भल है, वो हम इस खड्डे के अंदर डालेंगे। इस थैले में भल है वो, ताकि पौधे की जड़ें अच्छे तरीके से चल सकें, और ये सारी भल जो हम
हम इसके अंदर डाल देंगे। लें जी, इसमें बल डाल के सारी कवर कर दिया है। उसके बाद इसको अच्छी तरह से पानी दे दिया है और माशाल्लाह जी हमारा एक पौधा इस तरह तैयार हो गया। बाकी के चार पौधे भी हम इसी तरह लगाएंगे। तो बाकी मज़ीद वीडियो के लिए मेरा पेज, मेरा चैनल लाइक कीजिएगा और मेरे इस छोटे से यार को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसकी मेहनत के साथ ही ये सारा कुछ हुआ है। तो इसके लिए पेज को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि मैं इसकी सपोर्ट भी कर सकूँ। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।